आपके भरोसे पर खरे उतर कर। हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। थाना में बंद अभियुक्त के मौत के बाद शोका कराया जा रहा पोस्टमार्टम, प्रश्नों का आरोप, पिटाई के बाद हुई मौत। कटिहार के प्राणपुर की घटना पर विपक्ष भी जमकर बोलने लगे हैं। थाने में शराब मामले में पकड़े गए युवक की मौत के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां उन्होंने सरकार और प्रशासन में जमकर बोला। उन्होंने शराबबंदी को विफल बनाते हुए पुलिस पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। पुलिस की मार से उस युवक की मौत हुई है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भरण पोषण कौन करेगा। उन्होंने डीएम से भी मिलकर अपनी बातों को रखा है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजन भी कह रहे हैं कि उनकी पिटाई के कारण मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। गौरतलब है कि 17 सितंबर को प्राणपुर थाना में हाजत में बंद शराब मामले में एक युवक की मौत हुई थी। इस दौरान लोगों ने पुलिसकर्मियों को मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। शव का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे मृतक के बड़े भाई मनोज कुमार ने बताया कि उनका भाई कभी कभी शराब पीता था। 16 सितंबर को वह मिला गया था और वहां पर उन्हें शराब पी ली, जिसे पुलिस पकड़ ली और दूसरे दिन उन्हें पता चला कि उसकी मौत हो गई। वही मृतक के परिजन मृतक के शरीर को दिखाया और पीठ की ओर काफ़ी चोट के निशान थे। इस मामले में 3 डॉक्टर की टीम शव का पोस्टमार्टम कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा होगा, लेकिन प्रशासन की इस मामले में कोई भी अधिकारी बोलने से कतरा रहे हैं। कटिहार से ब्यूरो रूपेश मिश्रा। हमारे प्राणपुर क्षेत्र में एक पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, जिनसे हम यहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा है और इस वजह से यहाँ आए हुए हैं कि पोस्टमार्टम सही तरीके से हो। अगर हम रहेंगे तो कम से कम सबको ये तो लगेगा कि ना, हाँ मैडम है सामने में, कोई गलत वहाँ पर नहीं हो रहा होगा। इस वजह से हम यहाँ पहुँचे हुए हॉस्पिटल। कहा जा रहा है कि पिटाई के कारण उनकी मौत हुई है, कितनी सच्चाई है इस बात की? ये सच्चाई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आपको आएगा और यहाँ परिजन बोल रहे हैं कि चोट का निशान है उनके शरीर में, तो इससे अंदाज़ा तो आप लोग भी लगा सकते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा और चोट कहाँ से आई। बाय द वे, अगर आप लोग बोलिएगा कि शराब पीने की वजह से हुआ या हुआ, तो चोट का निशान कहाँ से है और चोट कहाँ से आई बिना पिटाई का? 3rd degree टॉर्चर किया गया उनके साथ, तब ऐसा हुआ है कुछ। नीतीश कुमार की शराबबंदी पे क्या बोलेंगे? शराबबंदी तो आप लोग देख ही रहे हैं कितना विफल है। शराब तस्करी हो रहा है, लोग शराब पी ही रहे हैं। जिस समय ये कानून आया था कि हाँ शराबबंदी होगी, तो सबसे ज़्यादा अगर खुशी किसी को हुआ होगा तो महिलाएं लोग को हुई होगी, उसमें हम भी थे कि चलो शराबबंदी हो रहा है। मगर शराबबंदी कहाँ तक वो है, सही है? आप देख लीजिए कि शराबबंदी अगर किए हैं तो आप सही तरीके से ना कीजिए। आप मार पीट करके ये कौन सा शराबबंदी हो रहा है? आप हिरासत में लेते, हमारे लोग पिए हुए थे, हमारे क्षेत्र के लोग थे, अगर पिए हुए थे, तस्करी भी कर रहे हैं तो आप उनको जेल में रखिए। जो नियम है उस नियम के तहत आप कार्रवाई करते, क्या मार मार के जान मार दीजिएगा आप? प्रशासन ये कार्रवाई सही नहीं है। कल की जो घटना हुई है मैम, इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए, उनका क्या कसूर है? उनका तो कोई कसूर, हम नहीं बोल रहे। जब पब्लिक का वैसा मूवमेंट हो जाता है तब ऐसा कुछ हुआ, उसमें तो हमको तब तक खबर भी नहीं थी, और जब तक मैं खबर मिली तब तक मैं सारी घटना हो चुकी थी। उसके बाद हम चाहे कि एसपी साहब से बात करें कि एसपी साहब हमारे क्षेत्र की ये दूसरी घटना है, इस संदर्भ में हमको आपसे बात करनी, तो पहले वो बोले कि हम छुट्टी में, हम बोले फिर भी दो बात करनी है आपसे कि लगातार ये दूसरी घटना है, मौत आखिर क्यों हो रहा है, हिरासत में लोग रहें। तो वो बोले आप हमको ज्ञान मत दीजिए, कार्रवाई कीजिए। तो अब आप ये समझ लीजिए कि एक जन हमसे ऐसी बात हो रही है, एक विधायक से ऐसे बात होती है एसपी साहब की, तो प्रशासन किस तरह आम पब्लिक के साथ व्यवहार करती होगी, ये साफ झलक रहा है। क्या लगता है मैम, नीतीश कुमार की दादागिरी चल रही है, गुंडा राज चल रहा है? तो जंगल राज चल रहा, अब तो जंगल राज शुरुआत ही हो गया। अब हम जंगल राज के बारे में क्या बताएं आपको? आप लोग खुद ही आए दिन न्यूज़ में देख रहे हैं कि क्या क्या घटना हो रही है। कैसे मौत हुई है? ये मार से हुआ, पिटाई के कारण हुआ मार। क्या शरीर पे निशान है? शरीर पे पीठ पे निशान है पूरा, जैसे गुत्ती से मारता हो, लट्ठी से, गुस्सा से मार रहा हो, ऐसे पूरा निशान है।